हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, दो चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक क्लास टेंथ में आपका स्टार्ट हो गया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब इलेवेंथ में भी पढ़ रहे हैं हम। टेंथ में हमने बेसिक रूल्स पढ़े थे, जो कि आपकी बेसिक आइडेंटिटीज़ थी। थ्री आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी आपने, थ्री आइडेंटिटीज़ आप सब याद हैं आपको, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वस टू वन, या वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वस टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वस टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और वहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे, मैक्सिमम क्वेश्चन सारे के सारे वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही बिलोंग कर रहे थे। मगर अब हम इलेवेंथ में इसको डीपली पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे कि आगे के और कौन कौन से क्वाड्रेंट है, क्योंकि हमने तो सिर्फ 0 to 90 degree तक के ही क्वेश्चन करे थे, 90 degree के बाद के क्वेश्चन अभी हमने नहीं करे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम डीपली पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये बहुत काम का चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये कैलकुलस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो आप कैलकुलस पढ़ेंगे आगे, ये ट्वेल्थ में मैक्सिमम पार्ट जो है वो 40% लगभग कैलकुलस ही कवर करती है ट्वेल्थ क्लास का। तो उससे अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर कर लेंगे यहाँ से इलेवेंथ क्लास से, क्योंकि ट्वेल्थ में इतना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है जितना इलेवेंथ क्लास में अपना। ठीक है, तो इलेवेंथ क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा अच्छे से डीपली क्लियर करेंगे, तभी आप लोग कैलकुलस भी कर पाएंगे ट्वेल्थ क्लास में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से करना। ठीक है, तो स्टार्ट में बेसिक से ही करूँगा, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोई भी चैप्टर करूँगा तो बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा आपके लिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन कॉस टेन, सेक कोसेक और कॉट। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। फिर ये फंक्शंस किस पे अप्लाई होते हैं? सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंगल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपको एंगल्स के बारे में समझ लेना चाहिए। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं एंगल्स। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग है हमारी एंगल। ठीक है, क्या होता है एंगल? जैसे एक रे बनाई मैंने ये, ठीक है, ये कोई रे है। ठीक है, ये एक फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, ये फिक्स पॉइंट सपोज करो ओ फिक्स पॉइंट है, ओ ए इज अ रे। ठीक, एक ओ ए रे को आप रोटेट करा रहे हैं, किसके अबाउट रोटेट करा रहे हैं? फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट एक रे को रोटेट कराते हैं। अब वो रोटेट कैसे करा सकते हैं हम? या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये रे है, रे को या तो क्लॉकवाइज कराइए या एंटी क्लॉकवाइज कराइए। ठीक है, जैसे आपने ये रे रखी, इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कराएंगे आप, और क्लॉकवाइज इस तरीके से। तो या तो रे ये इधर जा सकती है या ऊपर की ओर जा सकती है। कहाँ? ओ फिक्स पॉइंट है, इसके अबाउट इसको रोटेट कराया जा रहा है। तो सपोज करो कि ओ ए इनिशियल रे थी और ये रोटेट करने के बाद यहाँ पर पहुँच गई, इसकी पोजीशन आ गई ओ बी, तो ये फाइनल रे हो गई। ठीक है, इसको रोटेट कराया हमने एंटी क्लॉकवाइज कराया। किस डायरेक्शन में कराया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये डायरेक्शन है इसकी रोटेशन की डायरेक्शन। तो क्या होगा कि जो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा, इसको ही हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। ठीक है, जब किसी भी एक रे को एक फिक्स पॉइंट के अबाउट या फिक्स्ड वर्टेक्स के अबाउट रोटेट कराया जाता तो एक एंगल बनेगा आपका। ठीक है, अब वो क्या होगा? एंगल कैसे मीजर करा जाएगा? अमाउंट ऑफ रोटेशन से, कि कितना रोटेट किया गया है उसको, वो क्या कहलाएगा आपका, कि कितने डिग्री या कितने रेडियन कोई एंगल है। ठीक है, मीजरमेंट अभी बताऊंगा कौन कौन से टाइप के मीजरमेंट होते हैं, पहले एंगल ही समझ लें। तो एंगल क्या है आपका? एक फिक्स रे को रोटेट कराते हैं अबाउट अ फिक्स पॉइंट, देन एंगल इज फॉर्म्ड एंड द अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल रे एंड फाइनल रे। ठीक है, ये वाली कौन सी है? इसको बोलेंगे आप इनिशियल रे, ये आपके इनिशियल रे है, और ये कौन सी है भाई? ये है फाइनल रे। ठीक है, तो इनिशियल रे और फाइनल रे दोनों के बीच में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा उसको एंगल कहा जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे क्या? इफ अ रे रोटेट्स
अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म्ड। ठीक है, जब रोटेट कराया जाएगा तो एक एंगल बनेगा, और एंगल कैसे मेजर करा जाएगा कि अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल डे। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे हम कि अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल एंड, लिखेंगे अमाउंट, दिस अमाउंट ये लिखेंगे, दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रे। ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल रे पता चल गई है आपको। इनिशियल रे कौन सी है, जिसकी, ठीक है, जिसकी जो फर्स्ट पोजीशन है, स्टार्टिंग वाली जो पोजीशन है ना, ये इनिशियल रे है, और जो बाद में मिली है वो क्या है, फाइनल रे। तो क्या लिखा, दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रे, ठीक है, इज मीजरमेंट ऑफ एंगल, इज मीजरमेंट ऑफ एंगल। क्लियर भाई, ये डेफिनेशन हो गई एंगल की, क्या कि जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रे वो क्या होगा आपका, मीजरमेंट ऑफ एंगल, किस जो भी जितना भी मीजर करा जाएगा वो एंगल आ जाएगा। अब बात आती है कि जो एंगल होता है वो दो टाइप का हो जाता है, क्या, एक पॉजिटिव एंगल मिलेगा, एक नेगेटिव। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, जैसे यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको पॉजिटिव एंगल कहेंगे। इफ, ठीक है, नोट में लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट में क्या लिखना है आपको, इफ अमाउंट, सॉरी, इफ रे रोटेट्स, ये लिख देते हैं, इफ रे रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन एंगल इज पॉजिटिव, देन एंगल इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका रोटेशन है तो क्या होगा, एंगल पॉजिटिव। और दूसरा है, सेकंड क्या है नोट, कि इफ रे रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन एंगल इज निगेटिव, एंगल निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव एंगल कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी रोटेशन की, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी रोटेशन की तो एंगल निगेटिव होगा। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया, अभी तक सिर्फ एंगल के बारे में इतना जाना कि एंगल की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद पॉजिटिव एंगल कब होता और निगेटिव एंगल कब होता। अब मीजरमेंट समझ लेते हैं, कौन कौन से मीजरमेंट हैं एंगल के। ठीक है भाई, देखिए अब तीन तरीके के हमारे मीजरमेंट होते हैं। नंबर वन ये लिख लेते हैं पहले, मीजर्ड या एंगल मीजर्ड इन थ्री वेज। कितने तरीके से मीजर करते हैं एंगल को, तीन तरीके से मीजर करते हैं भाई। तो पहला तरीका है आपका, कौन सा है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। कौन सा, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है भाई, फर्स्ट है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम, जो कि डिग्री वगैरह में मीजर किया जाता है। आपने देखा होगा एंगल को डिग्री में भी मीजर करते हैं, तो डिग्री में जब मीज़र करते हैं तो डिग्री में कब करते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम में। ठीक है, इसमें हमेशा एंगल को डिग्री में, मिनट में और सेकंड में मीज़र करते हैं। तो देखिए लिखेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम में, इन दिस सिस्टम
एंगल मेजर्ड इन डिग्री, किस में मेजर किया जाता है एंगल को, डिग्री में। ठीक है भाई, डिग्री का साइन आप बनाने हैं, जानते भी हैं, बहुत छोटी क्लास से बनाते हुए आए हैं। डिग्री का साइन एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं एंगल के ऊपर। ठीक है भाई, तो इसमें होता क्या है कि एक राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक राइट एंगल कैन बी डिवाइडेड इंटू 90 इक्वल पार्ट्स और ईच पार्ट इज नोन एज डिग्री। जितने भी पार्ट होंगे उसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो क्या होगा, a right angle can be divided into 90 equal parts and each part is known as degree, is known as degree। क्लियर है भाई, ईच पार्ट को क्या कहते हैं हम, डिग्री कहते हैं। मतलब एक राइट एंगल है उसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और 90 इक्वल पार्ट्स के जो ईच पार्ट है, ठीक है, 90 इक्वल पार्ट हो गए, उसमें जो ईच पार्ट है उसको क्या कहते हैं हम, उसको बोलते हैं डिग्री। क्लियर, तो देखिए कैसे लिखेंगे, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 इक्वल पार्ट। तो 90 इक्वल पार्ट को मिला के एक राइट एंगल बन रहा है, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 90 इक्वल पार्ट्स हैं उनको जोड़ करके एक राइट एंगल बन रहा है और ईच पार्ट को क्या बोल रहे थे हम, ईच पार्ट को बोल रहे थे डिग्री। तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया भाई, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा और जो ईच पार्ट है इक्वल पार्ट उसको क्या बोल रहे थे, डिग्री। तो एक डिग्री क्या था, एक पार्ट, तो 90 इक्वल पार्ट कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए, तो 90 डिग्री इक्वल टू वन राइट एंगल। ऐसे ही जो वन डिग्री होगा उसको हम कितने, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट और ईच पार्ट इज नोन एज मिनट। ठीक है, तो वन डिग्री इक्वल टू 60 क्या हो जाएगा, फिर मिनट हो जाएगा। मिनट का साइन क्या होता है, एक सिंगल डैश लगा देते हैं। ठीक है, याद रखो वन डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और जो वो ईच पार्ट होगा उसको बोला जाएगा मिनट। तो वन डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, याद रखना ये किसका है, मिनट का साइन है। जो ये डैश लगाया है ये मिनट का और यहाँ पे ये किसका है, डिग्री के लिए है। ठीक है, ऐसे ही वन मिनट को हम डिवाइड कर सकते हैं 60 इक्वल पार्ट में और 60 इक्वल पार्ट का जो ईच पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सेकंड कहलाएगा। तो वन मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, ये 60 सेकंड को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, सेकंड को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है, ये जो डबल डैश है ये कर रहा है सेकंड को रिप्रेजेंट। क्लियर हो गया, तो ये हमारा सेक्सागेसिमल सिस्टम हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे हम सेंट्रेसिमल सिस्टम। ठीक है, देख लेते हैं, देखिए इस सिस्टम में जो सेंट्रेसिमल सिस्टम है इसमें एंगल को ग्रेड में रिप्रेजेंट करते हैं और जो वन राइट एंगल होगा उसके 100 इक्वल पार्ट बनेंगे। वहाँ पे वन राइट एंगल के कितने पार्ट थे, 90 इक्वल पार्ट, और यहाँ पे वन राइट एंगल के कितने इक्वल पार्ट होंगे भाई, 100 इक्वल पार्ट। ठीक है ना, तो ईच राइट एंगल या वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इंटू 100 पार्ट और दीज इक्वल पार्ट या ईच इक्वल पार्ट इज नोन एज ग्रेड। ठीक है, जो वो ईच पार्ट होगा, जैसे वहाँ पे ईच पार्ट को क्या बोल रहे थे हम, डिग्री, तो यहाँ पे ईच पार्ट को क्या बोलेंगे हम, ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन दिस सिस्टम एंगल इज measured
इन ग्रेड। एंगल को किससे मीजर करते हैं हम? ग्रेड में, ठीक है। और ग्रेड का जो साइन होता है जी होता है, ग्रेड के लिए क्या बनाते हैं? जी बना देते हैं, ठीक है। ग्रेड में लिख देता हूँ मैं ग्रेड, और ग्रेड के लिए क्या कर देते हैं हम? जी बना देते हैं। जैसे ऊपर डिग्री का साइन जीरो बना रहे थे छोटा सा, तो वैसे यहाँ पर ग्रेड के लिए क्या बना देते हैं? जी, ठीक भाई। तो लिख लेते हैं वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज ग्रेड, ईच पार्ट इज नोन एज ग्रेड, ठीक है भाई। तो एक राइट एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होगा भाई? वन राइट एंगल किसके इक्वल होगा? वन राइट एंगल होगा आपका 100 इक्वल पार्ट, 100 इक्वल पार्ट, और ईच इक्वल पार्ट को क्या बोल रहे थे? ग्रेड। तो वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड हो गया भाई। वन राइट एंगल किसके इक्वल हो गया? 100 ग्रेड के, ठीक है। और जैसे वहां पे 1 डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे और ईच पार्ट को क्या बोल रहे थे? मिनट। तो यहाँ पे 1 ग्रेड को हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और ईच पार्ट को क्या बोलेंगे हम? मिनट, ठीक है। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, 100 मिनट, और ऐसे ही 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। 1 मिनट किसके इक्वल होगा? 100 सेकंड के, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब तीसरा पढ़ेंगे हम सर्कुलर मीजरमेंट, ठीक है, या सर्कुलर सिस्टम। देखिए बेटा, थर्ड है अपना सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है? एक सर्कल का यूज़ करा जाता है, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो पहले सर्कल से ही समझ लीजिए होता क्या क्या है, ठीक है। एक सर्कल है, सर्कल में कोई मान लिया ये आर्क है, आर्क क्या है हमारे पास? ए बी, ये कोई आर्क है ए बी, ठीक है, ये आर्क हो गई ए बी। ए बी आर्क सपोज करो सर्कल के सेंटर पर, सेंटर ओ है, एक एंगल बना रही है ए ओ बी, ठीक है, ये एंगल ए ओ बी बना रही है, ठीक है। तो जो ये एंगल ए ओ बी है, ये हमेशा किस में मीज़र करा जाएगा? रेडियन में। तो याद रखेंगे आप कि एंगल जो आर्क बनाती है सेंटर पर सर्किल के, उसको हमेशा किस में मीज़र करते हैं हम लोग? रेडियन में मीज़र करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो ये कहेंगे कि जो बन इसमें एंगल हुआ वो सपोज करो थीटा हुआ, ये एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया, ठीक है। इसको सेंट्रल एंगल भी बोला जाता है, ठीक है, सेंट्रल एंगल क्या है? थीटा। यहां पे लिख लेता हूं मैं सेंट्रल एंगल है हमारा थीटा, और ये आर्क ए बी है और ओ ए ओ बी इसकी रेडियस है, ठीक है। मान लिया कि आर्क ए बी की जो लेंथ है इसकी वो कितनी है? एल है। आर्क ए बी की लेंथ कितनी है भाई? एल, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है सेंट्रल एंगल निकालने का, वो होता है थीटा इक्वस टू एल अपॉन आर, क्लियर है ना? थीटा इक्वस टू एल अपॉन आर, वो क्या होगा? एंगल, समझ में आ गया। सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वस टू एल अपॉन रेडियस आर, ये इसकी रेडियस है, ठीक है भाई। अब सपोज करो कि हमें रेडियस और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो दोनों इक्वल दे दी, लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के इक्वल हो जाए, तो क्या लिखेंगे? इफ एल इज इक्वल टू आर, तो क्या हो जाएगा? थीटा कितना आएगा? 1 आएगा। देखो एल से आर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है आपका? लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों इक्वल हो गई, तो इस कंडीशन में क्या आएगा? 1 आएगा। और जो ये एंगल था थीटा, वो किस में मीजर करा जाता? रेडियन में। तो कितना हो गया? 1 रेडियन। कितना एंगल आ गया? 1 रेडियन। तो एक तरीके से 1 रेडियन एंगल कब मिलता है? जब एल इक्वस टू आर हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इन सर्कुलर सिस्टम एंगल इज मीजर्ड इन रेडियन। तो लिख लेते हैं इन
सर्कुलर या इन दिस सिस्टम लिख देता हूँ मैं, इन दिस सिस्टम एंगल इज मीजर्ड इन रेडियन। एंगल को किस में मीजर करते हैं भाई, रेडियन में, ठीक है। रेडियन के लिए सी बनाते हैं, जैसे ग्रेड में क्या बना रहे थे हम, ग्रेड में बना रहे थे जी, डिग्री में बना रहे थे जीरो, वैसे ही रेडियन होगा तो उसमें सी बना देते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया इसका साइन। तो थीटा इक्वस टू वन रेडियन कब मिला था आपको, जब लेंथ ऑफ आर्क इक्वस टू रेडियस थी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वन रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, ठीक है, एट सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस, एन आर्क इक्वल टू रेडियस, ठीक है भाई। मतलब वन रेडियन कौन सा एंगल था, वन रेडियन वो एंगल था जो कब मिल रहा था, जबकि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस है। तो मैंने यही तो लिखा, वन रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, सेंटर पर वो एंगल मिल रहा है, ठीक है, बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस, जो कि एक आर्क से बन रहा है, किसके इक्वल है आर्क, आर्क इक्वल टू रेडियस, ऐसी आर्क से बन रहा है जो रेडियस के इक्वल है। क्लियर है भाई, डेफिनेशन क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसी को और आगे पढ़ाते हैं, क्योंकि इसका बहुत यूज है सर्कुलर मीजरमेंट। देखिए हमें जो अपनी 11th क्लास में एनसीईआरटी में कवर करना है, एनसीईआरटी में हमारे लिए बस दो ही हैं, क्या है, पहला है अपना सेक्सागेसिमल और तीसरा वाला कौन सा है अपना सर्कुलर, ठीक है। तो 1 और 3 बस दो ही मीजरमेंट पढ़ने हैं हमको, कौन से, सेक्सागेसिमल सिस्टम या फिर सर्कुलर सिस्टम। ग्रेड सिस्टम हम नहीं पढ़ेंगे, ग्रेड सिस्टम या हमने पढ़ा था सेंट्रेसिमल सिस्टम, सेंट्रेसिमल सिस्टम या ग्रेड सिस्टम को हम नहीं पढ़ेंगे, जो हमारी क्लास सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो हम सिर्फ दो ही पढ़ेंगे, पहला वाला आपका सेक्सागेसिमल सिस्टम या थर्ड वाला आपका सर्कुलर सिस्टम, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इससे अलग कोई नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी को थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं, अच्छे से करते हैं इसको। हाँ भाई देखिए जरा, मैंने यहाँ पर लिख रखा है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये मैंने छोड़ दिया लिखा हुआ। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि थीटा इज मीजर्ड इन रेडियन, ठीक है, साइड में ये भी लिख देते हैं, थीटा इज मीजर्ड इन रेडियन। थीटा को किस में मीजर कर रहे थे हम, रेडियन में मीजर कर रहे थे, ठीक है भाई। चलिए अब ये देख लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाए किसी कंडीशन में कि ये पूरा का पूरा सर्किल ले लें हम, ठीक है, पूरा सर्किल ले लें, तो पूरा सर्किल कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये पूरा आ जाएगा, या हाफ सर्किल ले लें, चलिए हाफ सर्किल ले लेते हैं, तो ये हाफ सर्किल है आपका, ठीक है। हाफ सर्किल की कंडीशन क्या है कि इसका जो सर्कमफेरेंस होती है हाफ सर्किल की, सर्कमफेरेंस लेंथ ऑफ आर्क या सर्कमफेरेंस कितनी होगी भाई, इस कंडीशन में आएगी पाई आर, ठीक है ना। यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी होगी, पाई आर। सेमी सर्किल में जो सर्कमफेरेंस होती है सेमी सर्किल की कितनी होती है, सेमी सर्किल की सर्कमफेरेंस होती है आपकी पाई आर, ठीक है ना। जो कंप्लीट सर्किल है उसकी 2πr होती है, तो सेमी सर्किल की हो गई पाई आर, लेंथ ऑफ आप आर कितनी आ गई पाई आर, और रेडियस इसकी आर है, और ये एंगल बन रहा था थीटा। तो मैं थीटा निकालना चाहता हूँ कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू एल को क्या लिखेंगे भाई, इसमें पाई आर लिखेंगे, एल को पाई आर अपॉन रेडियस आर चली रही है, इससे ये कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन, कितना बनेगा पाई रेडियन। तो पाई रेडियन एंगल कब बनता है, पाई रेडियन एंगल जब बनता है जब एक सेमी सर्किल होता है, और सेमी सर्किल में आप जानते हो कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री, याद है ना, सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल कितना होता है सेंटर पर, 180 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि इन सेमी सर्किल एंगल
subtended is, angle subtended is 180 degree, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एक रिलेशन बन गया हमारा, रिलेशन क्या बना है कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है भाई। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका यूज़ कब करा जाएगा, जब आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे या डिग्री को रेडियन में, ठीक है भाई। चलो इससे आगे और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अब मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इससे मैं और रिजल्ट क्या क्या बनाऊंगा, जैसे पाई रेडियन है तो यहाँ पर 1 रेडियन लिख दूं मैं, तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई, तो यहाँ डिग्री में हो जाएगा। तो कभी भी रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो, ठीक है, चेंज फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, अगर रेडियन से डिग्री में चेंज करना है किसी भी क्वेश्चन को, तो आप क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक नोट बन गया हमारा, तैयार हो गया, इसको याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन होते हैं इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो वैन वी कन्वर्ट, वैन वी कन्वर्ट एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, ठीक है, रेडियन से डिग्री में जब भी एंगल को आप कन्वर्ट करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, ठीक है भाई। याद रखोगे कि जब भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, इधर डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब एक और रिजल्ट याद करेंगे, दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा, देखिए इसी से दूसरा रिजल्ट बनाता हूँ। यहाँ पे क्या था हमारा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 डिग्री पाई अपॉन 180, ठीक है, 1 डिग्री उधर रह गया, पाई अपॉन 180 क्या आ जाएगा, रेडियन, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इधर रेडियन में चल रहा था, ठीक है, 1 डिग्री की वैल्यू 180 से हमने डिवाइड कर दी। तो क्या हो रहा है कि जब भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, डिग्री से रेडियन में, तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूसरा नोट तैयार हो गया हमारा, दूसरा नोट क्या तैयार हो गया भाई, व्हेन वी कन्वर्ट, व्हेन वी कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन then multiply by pi upon 180, किससे multiply करनी है आपको, pi upon 180 से, ठीक है। जब भी question रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने वाला होगा, रेडियन से डिग्री में, तो आपको क्या करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, देखो ये लिखा हुआ है, क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब भी कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए ये समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कुछ, जो कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री वाले हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया है मैंने, कन्वर्ट करना है हमको, ठीक है, लिखा है कन्वर्ट 25 डिग्री इनटू रेडियन, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक कन्वर्ट 25 डिग्री इनटू रेडियन, ठीक है भाई, 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, देखिए मैंने कहा था रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम,
पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जो सेकंड नोट था वही था, सेकंड नोट क्या था कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है भाई। तो कर रहे हैं देखिए, तो 25 डिग्री को हम लिख सकते हैं 25 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है, पाई अपॉन 180। तो ये किस में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा आपका रेडियन में, क्योंकि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 से ये कट गया, 5 जा 25, 5 से ये कट जाएगा, 5 3 15 और 5 6 30। अब तो कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पाई को बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं, ध्यान रखना जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई को ऐसे ही छोड़ देना, पाई को कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फिर, 5π/36। रेडियन का साइन सी भी है, मैंने आपको बताया था सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन को, तो ये इसका आंसर आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन सेकंड भी यही है, कन्वर्ट, ठीक है, -47 डिग्री 30 मिनट इनटू रेडियन, इसको भाई रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, -47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना। तो पहले आप ये देखिए, ये डिग्री में है, ये मिनट में है, तो क्वेश्चन कब कन्वर्ट होता है, जब पूरा का पूरा डिग्री में दिया हो, ठीक है, डिग्री में दिया होता है उसको रेडियन में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं, मगर मिनट वाले को तो नहीं कर पाते हैं। तो पहले क्या करना है, मिनट से आपको डिग्री में पहुँचना है, ठीक है, मिनट से डिग्री में। तो मैंने आपको बता रखा है साफ साफ यहाँ पे कि जो 1 मिनट होता है वो किसके इक्वल होता है, सॉरी 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, 60 मिनट के, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है। तो इस तरीके से जो हमारा 1 मिनट आया वो 1/60 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है ना, ये 60 मिनट था 1 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से 1 मिनट निकालना चाहता हूँ मैं, तो 60 को अपॉन में ले जाऊँगा तो 1/60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये मिनट से डिग्री में कन्वर्ट हो गया, कैसे, 60 से डिवाइड करके। चलो तो यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, -47 डिग्री और 30 मिनट को, ठीक है, 30 मिनट को माइनस ऐसे ही, ठीक है, माइनस को बाहर रख लेते हैं कोई थोड़ी देर के लिए, 47 डिग्री एंड ये 30 मिनट था, तो 30 मिनट को मैं देखो ऐसे, इसमें ध्यान रखना इसमें प्लस का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर लीजिए या मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे आप मिनट जो घड़ी वाले क्वेश्चन होते थे हम, वॉच वाले क्वेश्चन, टाइम वाले, उसमें भी मिक्स फ्रैक्शन में ही करते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से इसको कर रहे हैं, या मंथ और ईयर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी मिक्स फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं, तो वैसे ही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मिक्स फ्रैक्शन कर लो या प्लस का साइन लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो 47 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, 30 मिनट को लिख दूंगा मैं 30 अपॉन 60 डिग्री में हो गया ये, तो 32 जा 60, तो ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा भाई, इसको एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, 27 जा 14, 24 जा 8, 8 और 1 9, 94 ये हो गया हमारा, ठीक है, 94, और यहाँ पे कितना है 1/2, तो 95/2 ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 95/2 डिग्री, ठीक है ना। ये मिक्स फ्रैक्शन में आया था, 47 होल 1/2 लिख दीजिए या 47 प्लस 1/2 डिग्री कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 95/2 डिग्री आएगा आपका, ठीक है। अब ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, इसको चेंज किस में करना था, रेडियन में करना था, तो क्या करेंगे, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 95/2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, π/180 से, तो π/180 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो गया आपका ग्रेड में, सॉरी रेडियन में चेंज हो गया, ठीक है ना, ग्रेड नहीं रेडियन में, तो सी लगा दिया मैंने बाहर, इसको कैंसिल कर लीजिए, जो जिससे कैंसिल हो रहा है, 5 से हो रहा है ये, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 9 जा 45, यहाँ पे ये 5 से 36 टाइम्स कैंसिल हो गया, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो 19π/236 ये कितना हो जाएगा, 72, तो इसको लिख देंगे -19π/72 रेडियन, ठीक है,
किस में आ गया ये, रेडियन में। क्लियर। देखो भाई एक एग्जांपल ये है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, ठीक है, सबटेंडेड बाय सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है, ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो एक सर्किल है, सर्किल की रेडियस कितनी दी है उन्होंने, 100 सेंटीमीटर, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब एल की वैल्यू कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सर्किल है, सर्किल के सेंटर में एंगल बताना है, ठीक है, जिसमें लेंथ ऑफ आर्क इसने, अच्छा रेडियस कितनी दी है 100 और लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे दी इसने 22, तो जो एंगल है वो बताना है। और आपको पता है कि सेंटर पे जो एंगल निकलता है, सेंट्रल एंगल, वो रेडियन में आता है, मगर इसने कहा है कि डिग्री में मेजर करो, एंगल को डिग्री में निकालना, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी है, 22 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, आर 100 सेंटीमीटर। ये किस में आएगा आपका एंगल, ये पूरा का पूरा आ गया आपका रेडियन में। तो थीटा की वैल्यू रेडियन में आई है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना था, चलिए करते हैं। तो 22 अपॉन 100, और जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि पाई की वैल्यू भी लगानी होती है, तो पाई की वैल्यू क्या लगती है, 22 अपॉन 7, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और भी कैंसिल हो रहा है, 2 5 10, ठीक है, और 2 से ये इसको मत काटो, चलो कोई बात नहीं, इसको काट लेते हैं, 2 9 18, तो कितना आ गया, 22, ठीक है, इंटू 9 अपॉन 5, ठीक है, पाई की वैल्यू लगाएंगे 22 अपॉन 7, तो नीचे 22 रह जाएगा, अपॉन 7 ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 22 से 22 भी कट गया भाई, तो कितना आ गया, 9 7 63 अपॉन 5, ठीक है, ये डिग्री में आया, मगर डिग्री में कभी एंगल पॉइंट वगैरह में नहीं छोड़े जाते फ्रैक्शन में, तो इसको सही करना पड़ेगा। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से आप डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5 हो गया, 1 बचा 13, 5 2 जा 10 हो गया, तो 12 डिग्री तो पूरा हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, 3 और बचा, तो इसे क्या लिख देंगे, प्लस 3 अपॉन 5, ठीक है, 3 अपॉन 5 डिग्री था, उसको क्या करना पड़ेगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा, तो 3 अपॉन 5 को 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मिनट में हो गया, 5 से ये कट गया आपका, 5 12 जा 60, तो कितना आ गया आपका आंसर, ओवरऑल आ गया 12 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 3 12 जा 36 मिनट, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। थीटा एंगल पूछा था, एंगल निकल के आ गया, डिग्री में पूछा था, डिग्री में ही आया आपका आंसर, क्योंकि सेक्सोडेसिमल सिस्टम में आप डिग्री में मेजर करते हैं, और डिग्री में भी क्या क्या आ जाते हैं आपके, मिनट एंड सेकंड आ जाते हैं, ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। चलिए अगली वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा क्वाड्रेंट के बारे में, तो आप यहाँ तक के क्वेश्चन करिए, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, वो भी आपकी इसी पर डिपेंड है, वो भी हो सकती है आपकी आसानी से, ठीक है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और